हमारे एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं हम। इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन और बोनांजा पोर्टफोलियो के जतिन त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, आप दोनों का स्वागत है। जतिन, सबसे पहले बताइए आज इस तरह का मार्केट दिखा है, आपके हॉट पिक्स क्या है? जिस तरह से मार्केट अभी नॉन एग्री कमोडिटीज में शेप अप कर रहे हैं रुपी के चलते, रुपी जो स्ट्रेंथ दिखा रहे उसी के साथ में हम लोग बुलियंस के अंदर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे काउंटर्स को। सो हाल फिलहाल हम लोग क्रूड के अंदर एक सेल बाय कॉल लेके चल रहे हैं। 4000 के लेवल जो हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो 4000 के ऊपर अगर क्रूड ट्रेड करना शुरू करता है तो वहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। नीचे में सपोर्ट है उसका 4050 के आसपास का, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलना। ऊपर 4160 to 4200 के लेवल आ सकते हैं। ओके, और सेकंड जो हमारी पिक रहेगी वो कॉपर में रहेगी। बेस मेटल्स के अंदर एक कॉपर के अंदर एक स्टेडी राइज दिखी है हाल फिलहाल, पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं तो उसी के साथ में 442 to 445 का जोन एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है फिलहाल, तो वहाँ पे एक सेल की सलाह रहेगी। नीचे 435 to 437 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। okay. तो उससे ज्यादा डाउनसाइड भी लिमिटेड है, तो 435 to 438 के टारगेट्स के लिए 442 पे सेल की कॉल रहेगी कॉपर के अंदर। ठीक है मनोज जी, बताइए आपको कमाई के मौके एग्री कमोडिटी मार्केट में आज कहाँ दिख रहे हैं? क्वेश्चन है, एक दिवाली की और एक खरीदारी की पीक रहेगी। पहली 700 दिसंबर वायदा में 4120 के स्तरों पर दिवाली करना चाहिए, 4160 का स्टॉप लॉस और यहाँ पर लक्ष्य होगा 4030 रुपए तक का। दूसरी जो है वो खरीदारी की रणनीति रहेगी ग्वार सीट में, यहाँ पे 4480 के स्तरों पर खरीदारी करें, 4580 तक के लक्ष्य होंगे और 4440 का स्टॉप लॉस। वेरी वेल, चलिए तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स, लेकिन जैसे हमने वादा किया था कच्चे तेल की जो मूवमेंट है वो हमारे व्यूअर्स को, निवेशकों को दुनिया भर में थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। तेजी आएगी या और दबाव बनेगा ये समझ नहीं आ रहा है। कच्चे तेल की तेजी भी इनफैक्ट आज शुरुआती कारोबार से हमने हवा होते हुए देखी। ग्लोबल मार्केट में हमने तेज गिरावट आते देखी, ब्रेंट $66 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। इससे पहले ओपेक की ओर से सप्लाई कटौती की जो अटकलें थी कि 10 से 14 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती संभव है अगले साल से, उसकी खबरों के चलते हमने मजबूती आते हुए देखी थी, लेकिन अब वो फैक्टर भी संभालता हुआ नहीं दिख पा रहा है कच्चे तेल की कीमतों को। वजह क्या है इस तरह की प्रेशर की, समझाने के लिए सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, हम लगातार अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर चढ़ते उत्पादन को यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों में प्रेशर के लिए, क्या यही एक फैक्टर है या कोई और भी वजह है? या ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही, क्योंकि 23% की बढ़त हमने यहाँ पर यूएस के आउटपुट में इस साल में आते हुए देखी है और हम 11.7 मिलियन बैरल्स पर डे की उत्पादन वहां से आता हुआ देख रहे हैं, जिसका अच्छा खासा प्रेशर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह की बिकवाली हमने ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में देखी, यूएस इक्विटीज में कल रात को जिस तरह का सेल ऑफ ब्रॉड बेस देखने को मिला, उसका असर भी यहाँ पर है। क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स देखने को मिली है तो ग्रोथ स्लो डाउन यूरोप और चाइना दोनों में ही माना जा रहा है। हमने इस तरह की रिपोर्ट्स ऑफकोर्स IMF से, OPEC से, IEA सभी तरफ से आते हुए देखी है और उसका असर भी यहाँ पर प्राइसेस में है। इसके अलावा अगर आप कोई क्लियर यहाँ पर साइन रशिया की तरफ से भी नहीं है, जैसे आपने कहा कि 1 से 1.4 मिलियन बैरल्स पर देखिए कटौती की बात OPEC यहाँ पर कर रहा है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट जो रशिया की स्टेटमेंट है वो देखें तो उन्होंने इस डिसीजन में हामी नहीं भरी है। उन्होंने ये कहा है कि वो भी एक क्राइटेरिया देखना चाहेंगे कि किस तरह का सप्लाई डिमांड इस महीने और अगले महीने देखने को मिलता है, तो 6-7 दिसंबर को किस तरह की बातचीत होती है, किस तरह का आउटपुट पॉलिसी पे ये सब OPEC और एलआईएस के मेंबर्स यहां पर हामी भरते हैं वो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा स्पेकुलेटिव पोजीशंस अगर हम देखें तो जो रिकॉर्ड हाई पर थी 1.5 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स जनवरी में, वहां से लगातार कटौती होते हुए देखी है और अब ये सिर्फ 570 मिलियन पे रह गए हैं, तो करीबन आधा नेट लॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्ट थे यहां पर बने हुए वो बाजार से यहां पर साफ हो चुके हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो एनर्जी कंपनीज हैं उन्होंने पिछले 40 दिनों में करीबन $1 ट्रिलियन यहां पर लॉसेस किए हैं, तो एक सपोर्टिव फैक्टर तो ऑफकोर्स 6-7 दिसंबर की मीटिंग का है ही। दूसरा ये है कि जो वर्ल्ड वाइड ऑयल कंपनीज हैं जिस तरह के लॉसेस उन्होंने यहां पर डाले हैं, कैपिटल स्पेंडिंग की जो बात होती है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात होती है वो ऑफकोर्स फिर से एक क्वेश्चन मार्क बन जाती है, तो ये एक कपल ऑफ रीजन हो सकते हैं कि हम यहां पर कुछ सपोर्ट यहां पर कच्चे तेल में फिर से बनता हुआ देखें। शुक्रिया मनीषा सारी डिटेल्स रखने के लिए, लेकिन जतिन आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी क्योंकि आपने बताओ हॉट पिक आज कच्चे तेल को जगह दी है और खरीदारी की रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं, लेकिन क्या एक कंटिन्यूस सपोर्ट दिखाई दे रहा है? और जिस तरह के सिचुएशंस की बात मनीषा ने की है, बढ़ता उत्पादन प्लस अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितना आउटपुट में कटौती दिखेगी, कितने एलआईएस साथ में होंगे, इस सिनेरियो में, इस बैकड्रॉप में क्या रेंज आपको दिख रही है कच्चे तेल की?
नया हाल फिलहाल जो अभी एक स्ट्रॉन्ग करेक्टिव मूव देखा हमने डाउनसाइड में, जहाँ पे 5000 के नीचे जैसे लेवल ने क्रैक किया डोमेस्टिक मार्केट में, सीधा 4000 के लेवल्स तक वो नॉनस्टॉप आते गए। तो टेक्निकली भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी दिख रही है यहाँ पे। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव बताऊं कि ओवरसोल्ड टेरिटरी जो है वो एक बाउंस बैक शार्पली दे सकती है यहाँ से। और सेकेंडली जो फैक्टर यहाँ पे सपोर्ट करेगा वो ओपेक की मीटिंग को लेके है। अगर रुझान जो ये है कि बस वहां पे लोग कटौती करने वाले हैं, भले आगे जाके ना करें, लेकिन अगर कटौती करने की अगर अपडेट आने वाली है तो उसी के चलते हुए यहाँ पे थोड़ी बाइंग प्रेशर दिख सकती है। शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं इसको, फ्रेश बाइंग की शायद स्ट्रेटेजी ना हुई है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग जो स्ट्रांग सब लोग की शॉर्ट पोजीशंस जो खड़ी है वहां पे अभी, तो वहां से एक स्ट्रांग बाइंग दिख सकती है रैली। तो उसी के चलते हुए रिकवरी जो है, रिवर्सल जो हम लोग कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो एक रिवर्सल पैटर्न शायद यहाँ से फॉर्म हो सकता है। इसलिए 1400 का बेस लेवल जो है मैं बता रहा हूँ कि उसके ऊपर जाता है तो एक स्ट्रांग रैली दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, और उसी के साथ साल के अंत तक फिर वो रेंज कैसी हो सकती है? साल के अंत तक में रेंज जो है वो अगर 4000 के लेवल अगर डोमेस्टिक मार्केट में रिस्पेक्ट करता आएगा वीकली बेसिस पे, अगर क्लोजिंग डे से वीकली बेसिस पे 4000 के लेवल सपोर्ट लेता है तो ऊपर 4200 और 4300 के लेवल्स भी हमको देखने मिल सकते हैं। ग्रेट, चलिए अब यहाँ से रुक करते हैं मंडी की खबरों का। फोकस चने पर है, बेहतरीन रिकवरी इस कमोडिटी ने दिखाई है। इसकी कीमतें हमने 3.5% तक उछलते हुए देखी। ऑफकोर्स हम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि आज नवंबर वायदा की यहां पर एक्सपायरी है और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 4600 के पार निकलता दिखाई दिया है। मनोज जी बताइए, चने में ये जो एक्शन आया है क्या अब सीधा ये 5000 के लैंडमार्क पर इसको लेके जाएगा या यहां पर भी कोई थोड़ी सी रुकावटें दिख रही हैं? नहीं, नया ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि इस बार जो तेजी बनेगी वो कहीं ना कहीं 5000 तक जाना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपरी स्तरों से अच्छा प्राइस करेक्शन होते हुए देखा है लगभग 7-8% का। अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो लगभग 4750 तक कीमतें गई थी, वहां से 250 से 300 रुपए का प्राइस करेक्शन हुआ है। तो अब यहाँ फिर से जो मजबूती देखने को मिल रही है और जो स्विंग के नंबर्स आ रहे हैं वो भी पिछड़े हुए गत वर्ष की तुलना में, तो ग्रेजुअली आने वाले समय में डिमांड का सीजन रहेगा तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे सपोर्ट देगा कीमतों को। तो बिल्कुल जो तेजी बनी है वो ट्रेंड पॉजिटिव बना रहना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर 2 से 3 महीने का नजरिया यहाँ पे लेके चले तो 5000 तक के स्तर बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब 4440-4450 क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे रहेगा चने की कीमतों के लिए। तो अगर किसी को भी लंबी अवधि की पोजीशन बनानी है तो ये एक लेवल का स्टॉप लॉस जो है उसमें मेंटेन करना चाहिए और 5000 तक का नजरिया यहाँ पर रखना चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि करंट लेवल्स में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की जा सकती है? अभी बिल्कुल की जा सकती है और थोड़ा डीप मिले तो काफी अच्छा होगा। 4550 से 4600 के रेंज में जो है एक अच्छा बाइंग यहाँ पर लेवल रहेगा। ग्रेट, चलिए इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटे के सवाल जवाब का सिलसिला कमोडिटी कॉल पर शुरू करेंगे। सवाल राजकोट से अनुज जी ने व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजा है। मनोज जी, इनका सवाल सीपीओ में है, ये ट्रेडर हैं, जानना चाह रहे थे कि मौजूदा स्तरों पर क्या किया जाए। 500 का एक नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर वो ब्रेक होता है नया तो मेरा मानना है कि 485-486 तक के इस तरह यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है तो खरीदारी को यहाँ पे अभी भी अवॉइड करना चाहिए। अगर 500 रुपए के नीचे का ब्रेकआउट आता है तो वो फ्रेश जो है सेलिंग यहाँ पे की जा सकती है, लेकिन बाइंग को अभी भी यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, राजधानी दिल्ली से सुनील जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैडम निकल ले रखी है। किस भाव से? 856 रुपए में मैडम। 856 पर आपने लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है जतिन, ये लेवल आते हुए दिख रहे हैं? बहुत ही एक्चुअली हाई प्राइस पे अभी अटक गए हैं तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि 790 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, बिकॉज 790 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो 760-750 के लेवल्स भी आ सकते हैं। ऊपर में अगर 720-725 के लेवल्स मिलते हैं तो निकल जाना चाहिए उसमें से। 820-825। खांडवा से महेश जी का सवाल है। महेश जी नमस्ते, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, हाँ महेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम की अपने नीचे नीचे सोयाबीन क्या जाएगा और ऊपर ऊपर में क्या जाएगा? आप कारोबारी हैं कि किसान हैं?
ट्रेडर है ओके मनोज जी जरा बताइए एक ट्रेडर है सोयाबीन का रेंज समझना चाह रहे थे कि और कितनी गिरावट बाकी है अपसाइड की क्या स्कोप है सोयाबीन में दिसंबर वायदा की बात करें नया तो 3330 एक इसका जो है सपोर्ट जोन रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे तो वहां का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और जो भी मौका मिलता है अगर 3380 3350 के रेंजेस में आता है तो वो फिर से एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी की ऊपर okay. में अगर हम दिसंबर जनवरी तक की बात करें तो मेरा मानना है कि एक बार 3500 से 3350 और मार्च तक का अगर नजरिया लेके चले तो 3700 तक के इस तरह यहाँ पे देखने को मिल सकते ओके मतलब रुकने का स्कोप है वक्त इस पे निर्भर करता है कि समय कितना देंगे सुलेखा जी ने प्रतापगढ़ से जतिन अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है चांदी में इनका सवाल है दो लॉट उठाए हुए हैं 38,000 के भाव से एक ट्रेडर है क्या सुलेखा जी को साल के अंत तक या कुछ समय रुक कर ये लेवल मिल पाएगा जतिन डेफिनेटली मिल सकता है अगर रूपी का जो फॉल रूपी का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो जाता है रूपी थोड़ा सा और यहाँ से गिरावट अगर दिखाता है तो डेफिनेटली सिल्वर के अंदर थोड़ी सी तेजी देखने मिलेगी बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ेंगे okay. उसी के सामने बेस मेटल्स भी अगर थोड़े बहुत रिकवरी मोड में आ जाता है तो सिल्वर की प्राइसेस फिर से 38,000 के लेवल्स दिखा सकते हैं ठीक है 36,550 का एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बोलूंगा मैं okay. अगर ट्रेडर है तो अगर निवेशक है तो 36 के स्टॉप लॉस से खड़े रहना चाहिए 38,000 के लेवल्स जो है वो क्विकली देखने मिल सकते हैं अराउंड अबाउट जनवरी के आसपास मिल जाएंगे परफेक्ट सिरसा से बलवीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर सर नमस्ते अपना सवाल पूछिए मेरा सवाल ग्वार पे है मैं किसान हूँ और लगभग 20 क्विंटल ग्वार है मेरे पास अच्छा 10-15 दिन में क्या करना है ओके ग्वार भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है यहाँ पर मनोज जी जरा बताइए किसान क्या करे भारी मात्रा में माल पड़ा है इनके पास वर्तमान स्तरों पर रुक जाना चाहिए क्योंकि एक सपोर्ट लेवल पर अभी कमोडिटी ट्रेड कर रही है जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी वो कच्चे तेल की कीमतों में एकदम से जो 20% की लगभग गिरावट आई तो उसकी वजह से ये कमोडिटी में भी प्रेशर बनता हुआ दिखा था मेरा मानना है कि अब यहाँ पे रुकना चाहिए एक महीने का इनका नजरिया है तो यहाँ पे कीमतें फिर से दिसंबर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 4650 तक के स्तर दिखा सकता है वहां पे फिर एक बार निकलने की रणनीति की जा सकती है बेहतर है रुकते छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा आप बने रहिए हमारे साथ इंदौर से ज्ञानेश्वर जी ने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है इनका सवाल कच्चे तेल में है जतिन 4090 के आसपास के स्तर पर इन्होंने कच्चा तेल लिया हुआ है अब ये जानना चाह रहे थे कि कितना रुकना चाहिए हाँ रुक सकते हैं डेफिनेटली थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे दिख रही है जैसे कि हमारे रिकमेंडेशन भी आज का क्रूड ऑयल के अंदर 4150 तक के लेवल्स इंटरडे में दिख सकते हैं okay. और अगर पोजिशनली ट्रेड लिया है तो 4200 से 4250 तक के भी स्तर के लिए भी रुक सकते हैं ऊपर में right. नीचे में एक सेफ साइड के लिए स्टॉप लॉस लगा के चलिए 4060 का okay. जैसे कि हमने कॉल्स में भी दिया है वो एक बेस सपोर्ट रहेगा क्रूड ऑयल के लिए चलिए बेहतरीन पोजिशन होगा अच्छा मुनाफा सोलापुर का रुख करते हैं प्रमोद जी हमारे साथ फोन लाइन पर है सर नमस्ते हाँ नमस्ते क्या सवाल है आपका हाँ एक 40 टन चना है मेरे पास ओके हाँ अभी क्या करना पड़ेगा ओके आप समय दे सकते हैं इसको माल पड़ा हुआ है कोई निकालने की जल्दी हाँ आप समय दे सकते हैं ना इसे चना 40 का ठीक है चलिए इनको लगता है मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है लेकिन बताइए यहाँ पर मनोज क्या कर सकते हैं 40 टन के आसपास इनके पास माल पड़ा है आपने थोड़ा रुकने की रिकमेंडेशन दी थी क्या किया जाए बिल्कुल रुकना चाहिए और एक सेफ साइड पर 4440 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए पहला लक्ष्य जो होगा वो 4720 रुपए का होगा okay. तो उसके अंदर कीमतें सस्टेन करती है दिसंबर वायदा तो मेरा मानना है कि 4850 जो है ये मंथ में दिसंबर मंथ में एक बार देखने को मिल सकता है तो बिल्कुल रुकना चाहिए और एक लोअर साइड का स्टॉप लॉस रखना चाहिए चलिए बेहतर इसी साथ कमोडिटी कॉल में वक्त ये समाप्त होता है जतिन और मनोज जी आप दोनों का ही शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए तो मुझे भी दीजिए इजाजत लेकिन आप बने रहिए देखते रहिए सेम डीसी आवाज नमस्कार